तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, आज है क्रिसमस, तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, और राहुल भाई की भी तरफ से आपको हैप्पी क्रिसमस। और ऐसे ही आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करिए। वैसे तो हमारा त्यौहार है नहीं, हमारा कल्चर नहीं है ये, और हमारा त्यौहार है भी नहीं, इसलिए मनाते भी नहीं है। और फिलहाल जो मनाते हैं उनकी इन्जॉयमेंट है, पर हम लोग तो वैसे अंग्रेजों का त्यौहार है, अंग्रेजी सेलिब्रेट करते हैं। पर कोई नहीं, जो भी मनाते हैं दिल से मनाते हैं। अगर खुशियां मिलती है मनाने से तो मनानी चाहिए। अगर कोई पल ऐसा मिल जाए जिसमें आप मुस्कुरा सकें, हाँ, जैसे जिससे आप मुस्कुरा सकें, तो वो चीज़ करते रहना चाहिए। तो इसलिए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस, और राहुल भाई की तरफ से भी आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही हम लोग भी आज बहुत ज़्यादा बिजी थे। हमने क्या सोचा था राहुल भाई, आज हमने ये सोचा था कि यार चलो आज हम लोग मतलब मार्केट दिखाएंगे, क्योंकि यार क्रिसमस में अच्छा लग रहा है। पर आप लोगों को क्या बताएं दोस्तों, आप सोचे रेस्टोरेंट लाइन हो और फिर उसमें ऐसे टाइम पे ऑर्डर नहीं आएगा तो कैसे टाइम आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी थे आज, वरना बहुत सोचा था, क्योंकि जब हम आए थे मॉर्निंग में तब हमने देखा था बहुत बढ़िया लग रही थी मार्केट। तो सोचा था आज ब्लॉग करेंगे, मार्केट दिखाएंगे फिर, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम ब्लॉग कर मतलब हम लोग आपको मार्केट ब्लॉग कर सके। तो इसलिए दोस्तों बिजी बहुत ज़्यादा थे और ऑर्डर रुक भी नहीं रहे थे, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्री हुए हैं। तो ऐसी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेन क्या है राहुल भाई हमारे लिए, बताओ क्या चीज मेन हमारे लिए क्या है? मेन हमारे लिए काम है, रोजी रोटी है। सबसे पहले से प्रायोरिटी हम, तो पहले मैं रोजी रोटी को देंगे हम, उसके बाद दूसरा काम है। हाँ दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने अवॉइड करा फिर, चलो यार मार्केट में ब्लॉगिंग तो हम बाद में भी कर लेंगे, हम पहले अपना काम देख ले, क्योंकि जिसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है। तो इसलिए तो हमने कहा ब्लॉग तो बाद में भी शूट हो जाएगा काम। हाँ तो, और सच बता रहे दोस्तों, बिल्कुल नहीं बैठे हम लोग, इतना ज़्यादा थक गए ना हम लोग। तो ये छबरी लोगों का शोर शराबा, तो इग्नोर करो। तो दोस्तों इतना ज़्यादा थक गए थे ना हम लोग कि बैठने को भी नहीं मिल रहा था। तो लेकिन चलो फाइनली अब थोड़ी देर आराम मिला है, और हम लोगों को अब हम थोड़ा बाहर आए घूमने, क्या छोटी बड़ी चीज़ें खाइए, थोड़ा मार्केट चटपट बटर खा के आ रहे हैं। और अब बाकी बातें हम आपसे नाइट ब्लॉगिंग में करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको पता ही, मुझे नाइट में मोटो ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मोटो ब्लॉगिंग करेंगे नाइट में, और आपसे मिलते हैं घर जाते टाइम। तो चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में मोटो ब्लॉगिंग करते हुए। गुड नाइट, चलो बाय बाय। हेलो दोस्तों, आई होप कि आपको आवाज़ अच्छी आ रही हो। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, अब मिलते हैं अभी नाइट ब्लॉगिंग में। और अब आप देख सकते हैं कोहरा भी कितना हो गया है, और मैं जा रहा हूँ अब घर को। तो दोस्तों आप सभी को पता है आज है क्रिसमस, और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं सब लोग अभी पार्टी शार्टी कर रहे हैं। और तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, क्रिसमस की सभी लोगों को यार हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे मैंने आपको बताया ही है कि हम लोग तो चलो मनाते नहीं, अंग्रेज़ों का फेस्टिवल है, पर ठीक है, जिस भी चीज़ में खुशी मिले वो चीज़ मनाने में क्या दिक्कत है। तो कोई नहीं, जिस चीज़ें से आपको खुशी मिल जाए वो चीज़ कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सब लोग इंजॉय करके आ रहे हैं, और सब ऐसे ही है। देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और सब लोग पार्टियाँ करके आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक हो रहा है। आज शायद आपको दिख रहा होगा गाड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रिसमस है तो सब लोग इंजॉय करके आ रहे हैं, कर रहे हैं क्या, घूम रहे हैं फिर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलनी चाहिए, ऐसे खुशियाँ बांटनी चाहिए। और आपको पता है जैसे कि पीछे का अपना समय कुछ सही नहीं था कोविड की वजह से, तो फेस्टिवल सब एक अजीब से ही हो गए थे। अब थोड़ा लोग खुश हो रखे हैं, त्यौहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चलो अच्छा है। अच्छा लगता है यार जब दोबारा सब लोग हंसने खेलने लगते हैं। तो मैं तो दुआ करूँगा कि सब अच्छा ही हो जाए अब, और ऐसा कुछ ना हो, बढ़िया से इन्जॉय करें सब लोग। और आप लोगों के लिए मैं ऐसी नाइट में ब्लॉग लाता हूँ, और नाइट ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो। मैंने आपसे कहा भी था आपको नाइट ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए पता ही है शूट करता रहता हूँ। तो
और सेलिब्रेट कौन कौन कर रहा है क्रिसमस यार, प्लीज़ बताया करो। और किसने किसने कैसा सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया आज क्रिसमस के दिन, तो यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे भी तो पता चले आप लोग कैसे इन्जॉय कर रहे हैं। और हमारा तो आपको पता ही है दिनचर्या कैसा था। आज मैंने सोचा था कि मैं मार्केट में घूमूंगा, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में ऑफिस आया था तो मैंने देखा था कि मतलब मार्केट काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे कल से ही मैंने देखा था, मेरे को कल से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सूट करना है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। वो क्रिसमस ट्री लगा रखे थे और काफ़ी बलून वगैरह सब कुछ लगा लो के, मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यार मेरा मन था कि यार मैं इसे शूट करूँगा और आपके लिए एक ब्लॉग तैयार करूँगा, और हम लोग ऐसे मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेंगे और आप लोगों के साथ बातचीत भी होगी और आप लोगों को पता भी चलेगा कि यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो कोशिश तो बहुत थी पर लेकिन क्या करें दोस्तों, कहते हैं ना जो चीज़ सोचो वो हो नहीं पाती है, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। मैंने कोशिश तो की थी पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही हम ऑफिस आए तो देखा आज इतने ज़्यादा ऑर्डर थे कि आपको क्या बताए, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर था। और मैंने कोशिश, पहले तो लगा मुझे कि यार हम कर लेंगे और क्या बोलते जा से ज़्यादा मुझे लगा यार कर लेंगे, क्योंकि शाम का टाइम होगा, हम पे इवनिंग का भी टाइम होता है, तो मुझे लगा यार चलो मैं शूट कर लूँगा। लेकिन हमारे ऑर्डर थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया आज, तो मैं सोचा फ्री होऊंगा लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली कब फ्री हुए हम, 10 बजे के बाद फ्री हुए। तो इसलिए जब 10 बजे के बाद फ्री हुआ तो तब मैंने थोड़ा सा ब्लॉग आपके लिए बाहर शूट करके, मैंने कहा चलो अब ब्लॉग तो बनाना ही है तो चलो नाइट में ही सही। तो वैसे भी मेरा फेवरेट है आपको पता है नाइट ब्लॉगिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो कोहरा शायद आपको दिख रहा हो वीडियो में, आई होप कि आपको दिख रहा हो, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो रखा है और पता नहीं कैसा आपको दिख रहा होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा है और अच्छा लगता है मेरे को। तो मेरा तो फेवरेट है, तो मेरा तो मन करता है बस मैं ऐसे ही ड्राइव करता रहूँ और इन मैं ऐसे ही चलता रहूँ। हाँ ये ठंडी ठंडी हवा मज़ा आ रहा है, हाँ क्या बात है। तो यार आप लोग भी ऐसे फील करना चाहते तो प्लीज़ यार निकलो रात को और ऐसे एक आध गेड़ी मार आया करो, फील करो, क्योंकि गर्मियाँ तो तुम्हें पता ही है दोस्तों फिर आ जाती है, तो ये थोड़ा एक अच्छा है, वैसा मौसम जल्दी चला जाता है, तो इसलिए से इन्जॉय कर लिया करो। और जैसे आप फेस्टिवल इन्जॉय करते हैं वैसे इस मौसम को भी इन्जॉय करो, क्योंकि यार आपको पता ही है कितना प्यारा मतलब ये महीना होता है, मतलब थोड़ा सा आलस तो देता है क्योंकि लोग ज़्यादा तक यही रहता है कि यार कब घर पहुँचे, कब हम लोग खाना वाना खाए और सो जाए कंबल ढक ढुक के, लेकिन यार आलस तो देता है ये, पर लेकिन मज़ा इसी मौसम में ही आता है। तो यार घूमो आप लोग भी ऐसी बाहर, थोड़ा टहल के आया करो, खाना वाना खा के एक राउंड तो एटलीस्ट मार ही आया करो और देखा करो यार कैसा लग रहा है, क्योंकि गर्मी में तो हर कोई टहलता है, तो वो टहलना नहीं होता क्योंकि मज़ा नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों ऐसे ही आप लोग भी यार थोड़ा सा घूमो फिरो मेरी तरह, और चलो मैं तो ये तो मेरी तो कहते हैं ना मेरी किस्मत है कि मैं ऐसे टाइम पे घर को जा रहा हूँ और ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ, तो ये मेरी किस्मत है, तब मेरा ड्रीम मेरे साथ ही काम के पूरा हो जाता है। तो आप लोग भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें पसंद होगा ऐसे ही नाइट में से कोहरा हो रहा हो दिल्ली में और मौसम ठंडा सा हो और उनका मन हो यार चलो चलते हैं, तो यार ट्राई करो एक बार आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंड का क्या है थोड़ी देर तो लगेगी, ठीक है जाके सो जाना ढक ढुक के, पर कम से कम इस मौसम को जी तो लो थोड़ा, जैसे मैं जी रहा हूँ ऐसे ही आप भी जियो। तो दोस्तों यार वैसे तो अभी आप सब लोग खाना वाना खा के सोच भी होंगे या फिर पता नहीं मतलब टीवी देख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है मैं तो 11 बजे निकल रहा हूँ, तो 11 बजे तक तो आधी दिल्ली सोई जाती है और आधी घूम रही होती है, तो ऐसा है कुछ। चलो आई होप कि आप लोग भी ऐसे इन्जॉय करो मेरी तरह, मैं चाहे अपने घर जाते समय ही इन्जॉय कर रहा हूँ लेकिन आप भी इन्जॉय करो, इन्जॉय करने के बस मौके चाहिए होते हैं, तो आप लोग भी मौका ढूंढो और इन्जॉय करो।
और बाकी क्रिसमस कैसा रहा प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, और आप लोग आज कहाँ कहाँ घूम के आए, क्या क्या किया प्लीज़ बताना। हमारी किस्मत तो नहीं था, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइफ में तो आपको पता ही है जो रेस्टोरेंट लाइफ होती है ना उसमें कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती है, और ऐसी चीज़ें तो हमारे लिए एक फेस्टिवल जैसा होता है रेस्टोरेंट वालों के लिए, क्योंकि उसी दिन सबसे ज़्यादा रश होता है हमारे लिए, तो इसलिए हमारे लिए तो कोई मतलब ऐसे नॉर्मल चीज़ नहीं है, हमारा तो सब कुछ यही है। तो क्यों नहीं, चलो ठीक है, अब इसी के लिए तो निकले हैं घर से, कोई नहीं। और आप देख सकते हैं ये मैं मैरोली में एंट्री कर चुका हूँ। ओ जी ये है मैरोली, आज तो गाड़ियाँ दिख रही हैं जी यहाँ, तो यानी यहाँ भी लोग घूम फिर के आ रहे हैं अभी। ठीक है यार, अच्छा है, आज हमारे आसपास की कॉलोनी है जो वहाँ भी बड़ा शोर शराबा था, तो अच्छा लगा वहाँ भी मुझे देख के थोड़ा चहल पहल, वरना कुछ टाइम पहले तो सब सुनसान सा हो गया था, कोई त्योहारों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो चलो अच्छा है, लोग पार्टीज करके आ रहे हैं, अच्छा से घूम फिर के आ रहे हैं। देखो अभी भी लोग पार्टी वार्टी करके आए हैं, फिर खड़े थे गाड़ी वाड़ी का वेट कर रहे हैं, शायद पीछे कैब आ रही थी जो इन्हीं को लेने आ रही हो। तो अच्छा है यार, चलो सेलिब्रेट करते रहो, ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहो और इन्जॉय करते रहो, छोटी सी है ज़िंदगी, जियो यार खुश हो के जितना हो सके, कल का क्या पता। अच्छा सर, बस मौके ढूंढो इन्जॉय करने का, बस बहाना आना चाहिए, बस आप मौका ढूंढिए इन्जॉय करने का। अरे बाप रे, आज तो बहुत गाड़ियाँ हैं यहाँ, तो देख रहे हो दोस्तों टैक्सियाँ तो आज यहाँ पे भी बहुत दिख रही हैं, इसका मतलब लोग आ रहे जा रहे हैं अभी, और मेरे आगे भी अभी गाड़ी जा रही है। चलो अच्छा है यार, इन्जॉय करो दोस्तों यार, प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना यार क्या क्या करा आज आप लोगों ने, और कैसा रहा आपका क्रिसमस, तो यार बताना ज़रूर कहाँ कहाँ गए फैमिली के साथ, या कोई पार्टी शार्टी की घर पे, जो भी है सब कुछ यार बताया करो, अच्छा लगता है मुझे आप बताते हो तो यार ऐसे ही आप लोग बताते रहो, मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो सुनाता रहूँगा। बताऊँ अभी गाड़ी वाली की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि अब इसके पीछे यार ऐसे ही चलना पड़ेगा धीरे धीरे, और ये तो चलाने वाले हैं नहीं। ओह माय गॉड, इधर क्या हो रहा है, तो यार यहाँ लगा है जाम, और मैं घुमा लूँ अपनी गाड़ी क्योंकि मैं ले जाऊँगा उधर से। तो चलो दोस्तों एक नया रूट भी दिखाते हैं अब आपको, आप भी कहोगे यार देखा दोस्तों ये होता है मेहरौली की गलियों में, अगर आपकी गली में गाड़ी फंस गई ना कोई, तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अभी आप देखो गाड़ी के आने की वजह से मुझे गाड़ी कहाँ से घुमानी पड़े, क्योंकि मैंने दूर से देख लिया था, आगे भी दो गाड़ियाँ खड़ी थी और पीछे से तो एक सेंट्रो जा रही थी, उसके आगे एक और पहले से खड़ी थी जो मेरे आगे सेंट्रो चल रही थी, आपको पता है उसके आगे एक पहले से ही खड़ी थी, तो मैं समझ गया था वो निकलना मुश्किल है। तो आ जाओ दोस्तों इसी बहाने आपको मेहरौली की गलियाँ दिखा देता हूँ, और आप भी कहोगे यार वाह मज़ा आ गया, तो देखो मेहरौली की गलियाँ रात को कितनी प्यारी लगती है, आई होप आपको मज़ा आएगा मेहरौली की गलियों में। देखो भाई साहब भी इसीलिए आए होंगे क्योंकि जाम लग गया होगा, तो उन्होंने सोचा होगा चलो यार इधर से ले लेते हैं। तो ये देखो मैं आ गया कहाँ पे, हाँ आ गया हनुमान मंदिर पे, और जो मेहरौली रहते हैं उन्हें तो शायद वो वाकिफ़ होंगे इन गलियों से। देखो कितना परेशान हो रहा है गाड़ी वाला, तो दोस्तों देख सकते हैं हम आ गए वापस अपनी गली में। तो चलो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं क्लोज, क्योंकि आपको पता है मेरा आ गया है घर। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली सर्कल में शेयर करते रहना। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।